एसआर के गांव का बच्चा वास्ते हमारा शब वरदान है, क्योंकि अगर आप कोटा में सिकर में कटे जमा तो बटे यहाँ हाई फीस लिया करे, लेकिन एसआर के तो गांव का बच्चा एसआर के मायन पड़ से, क्योंकि बट फीस जो वहां उम्मीद है भी बराबर ही लिया करे, फीस ज्यादा कौन लिया करे। और एसआर की एक विशेषता भी है कि बार अगर आप कोटा सिकर बट जावा तो बट भीड़ ज्यादा है, बट हर लो हर एक संस्थान 10-10 हजार रही, लेकिन एसआर की मायन सीमित की सीटें हैं, लगभग 1 हजार के लगभग बच्चा रही, ज्यादा रहे कौन ज्यादा मास्टर रही जो हर बच्चा पर ध्यान दे, वजह महाराज शाहबूद एसआर के बेस्ट है। 10वीं रामसरी में स्कूल है सरस्वती नाम से बटम करी, स्कूल पूरा राजस्थान में टॉप रहे, 3 बार राजस्थान की मेरिट दे चुके स्कूल, तो मैं सोचो कि मने भी बटूं मेरिट देनी है, लेकिन कहीं पता कहीं और लाड लो भी जब घर हालात के बारे जानू को नहीं, लेकिन पापा को मन हो कि सब भी छोरा मारे साथ का बारे जावा, तो पापा की हो तू भी बारे जा, लेकिन मैं जाबाड़ होगा नहीं, सब जावा जब मैं मारे नहीं दे पा को मैं कि मन जानू को नहीं। स्पेशल डाइट है, हर संडे को डाइट देना, दाल बाटी देना, खीर देना, या पुणो या 1% या घर को या घर जी या लगी हुआ नहीं, आप घरों दूर हाँ, मैं तो पहली गियो पहली क्लास ली सारण जी सर के, मनोज जी सारण सर, यहाँ शरीर में गोल मोड़ा मैं क्यों टीचर तो तगड़ा या चश्मा लगा रहा, मैं क्यों तो डोन के टाइप में छोटा डोन वन सब छोटा डोन कहता तो आया क्लास। नमस्कार, इस समय हम हैं तिलानेश डेगाना नागौर, जहां पर हमारा लाडला एसआर की अंश भूपेंद्र कशवा है, जो अभी 95.20 बोर्ड में और 93.67% जेई मेंस में लेके आया है, एक बेहतरीन रिजल्ट लेके आया है, और जेई एडवांस का भी बहुत अच्छा पेपर हुआ है। हम जानते हैं कि एसआरके में इसका सफर कैसा रहा। मैंने 10वीं रामसरी में स्कूल है सरस्वती नाम से बटम करी, स्कूल पूरा राजस्थान में टॉप रहे, 3 बार राजस्थान की मेरिट दे चुकी स्कूल, तो मैं सोचो कि मने भी बटम मेरिट देनी है, लेकिन कहीं पर तो कहीं हो कि एक तो हिंदी की कॉपी थोड़ी ज्यादा ही गलत चेक है कि जी वजह हमारे परसेंटेज 89 ही रहेगा, तो बाद में चेंज ही सरर भी क्यों कि कोई ना कोई सही है बनगा जो ताजा खुश रहो, तो लेकिन वहां मन में रहेगी कि सभी छोरा आगे निकलगा, तो बाद में मैं सोचो कि अब अटे कटे डेगा नाम पढ़ रहे बाद में परसेंटेज बनाना है, तो डेगा नाम पढ़वा सोचे घर का और लाड लो भी है जर घर हालात क्यों बारे जानू को नहीं, लेकिन पापा को मन हो कि सभी छोरा मारे साथ का बारे जावा, तो पापा की हो तू भी बारे जा, लेकिन मैं जाबाड़ होगा नहीं, जब सब जावा जब मैं मारे नहीं दे पागू मैं कि मन जानू को नहीं, लेकिन बाद में एक दिन पापा यहाँ क्यों अधिकार लिया मतन, तो मैं पापा के साथ गियो देख बा और बट जाता है पापा एडमिशन करा दियो, एडमिशन कराई और 5-7 दिन तो मन नहीं कौन लगी कि कहीं करा कहीं करा, बाद में धीरे धीरे लड़ाक बल आई और टेस्ट दियो 1-2 में आई कौन रैंक का, तो बाद में तो पहले पढ़वा को मन कौन कर, तो वहां धीरे धीरे पढ़वा मन करियो और रैंक अब लगी टॉप 10 में, बाद में टॉप 5 में स्टार्ट हुई, तो ये मन लगी कि आप जेई पहले गियो तो जानते भी कौन जेई का ही वे, बट यार टीचर वीचर सब बतायो कि जेई है वे, तो मैं तो हॉस्टल में 11th में नवाब सिंह जी थे वार्डन, ऐसे रखते थे जैसे खुद का बच्चा है, मैंने तो कभी भी शुरू के 4-5 दिन तो मन नहीं लगा, फिर तो वो डेली आते हंसी मजाक कराते, शुरू का 1 महीने तक तो पहले तो आपको फिल्म दिखाएंगे हर सप्ते ताकि बच्चे का मन लगे नचाएंगे, और फिर महीने के बाद थोड़ी पढ़ाई शुरू करेंगे तो 15 दिन से कभी टेस्ट लगते ही फिल्म दिखाएंगे ताकि बच्चे का मन लगता रहे, और शाम को खेलने कूदने का तो रहता ही था, और बाद में धीरे धीरे स्कूल में गया था, टीचर आराम हंसी मजाक को पढ़ा था, 11वीं में तो यहाँ घना यहाँ मजाऊ पढ़िया, 11वीं में तो यहाँ पहले सोची को नहीं कि IIT की करनी है, आई सोचो कि बस आप आराम पढ़िए यार, 12वीं IIT को लेवल देता यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब सब्जेक्ट में 1 नंबर पढ़ा था, यहाँ लागतों की वास्तव में जो फैकल्टी सीकर कोटा है नहीं बी ने तो बहुत ज्यादा यहाँ टक्कर दे हुआ है ऐसा, मैं तो सोचो कि अपने नॉर्मल करना है, लेकिन बाद में वह मन करियो कि यहाँ कर सका IIT तो बट पढ़िया यार, तो थोड़ा बहुत और रैंक में यहाँ ऊंची अब लागी कोई टेस्ट लागता एडवांस कार जब मैं छो का नंबर यहाँ शुरू का 2-3 में तो आया ही को नहीं है नंबर ही को ना, जब सोचता हूँ कि कौन है वे, बाद में अगला टीचर की होगी नहीं है सके जब करी कोशिश करी तो जनवरी में जेई मेन्स को पेपर दियो तो परसेंटेज आएगी 93.67, तो ये मन में आयो पाछ विश्वास की कर सका, वाह जर तंग तो हिंदी अंग्रेजी पढ़ी को नहीं, तो मैं तो सोचो कि बोर्ड में क्योंकि एडवांस वास्ते 75% जो थे, तो मैं सोचो कि अपन 80 ऊपर परसेंटेज बनाना है, तो इन शाबू में पढ़ियो शुरू में तो, लेकिन बाद में 15-20 तारीख के बाद ये लाइयो कि थोड़ा बहुत पढ़ना जो थे, जर अंग्रेजी हिंदी ने लगभग 10-15 दिन पढ़ी दो यान, और पेपर दे रही हो जर लाइयो कि कम नंबर आए, फिजिक्स को दियो जर फिजिक्स में देते हैं लागो कि 100 आ रही है और भाई 100 है या गणित में 100 आएगा, जब मैं मन उम्मीद भी है कि 100 आ जाए 112 रिजल्ट आ पाओ,
तो 12:30 मारे दोस्त को फोन है धीरज को कि वो 94। मैं तो पहले दा सोचो कि क्योंकि मारे 10वीं में भी मैंने उम्मीद थी 10वीं परसेंटेज बढ़िया को नहीं, तो मैं सोचो कि किस्मत अब के और काई पता धोखो कर दिया। तो मैं था आ सोचो कि आपने परसेंटेज ठीक बन गया, उम्मीद तो ही कि क्योंकि बोर्ड का पेपर दिया तो यह लगे कि परसेंटेज तो हाई बनी, लेकिन बाद में थोड़ा किस्मत को डरो कि किस्मत साथ देवे कौन देवे। तो फोन आयो वो क्यों हमारे 94.60 बनिया और थारे 95.60 बनिया। पहले तो लगे मजाक कर रही हो, क्योंकि खुद पर विश्वास होने क्यों किस्मत ही साथ कौन देवी 10वीं में कौन दिया तो 12वीं में किया दे। तो बाद में गर्म फोन आयो कि वो बन गया था 95.60 रिजल्ट देगी, फिजिक्स में 100 मैथ में 100, तो मैं तो खुश है गो। बस थोड़ो केमिस्ट्री में कहीं पर तो थोड़ी कॉपी में प्रॉब्लम है कि नहीं तो बी में भी मन सो की उम्मीद थी। और बाद में मैं थाने थोड़ा हॉस्टल को बताइयू, हॉस्टल को देखो मैं तो जाता ही मन यहाँ लगी हो कि अपा को मन लाके कौन। लेकिन बाद में हॉस्टल का वार्डन आ 11th में नवाब सिंह जी आ बेटा, तो छो को व्यवहार रह क्योंकि यहाँ जाता ही है बाद में लाग बाग हो कि आप लोग घर जी कोई माँ बोलो। मैं तो ये घर का करने रियोड़ो तो मन ने तावड़ तो होको नहीं बाहर जाबू, लेकिन अब यही श्या व्यवहार रह क्यों टीचर आ टीचर ही सगड़ा बोलता रही बतलाता ये प्रिंसिपल सर आ रामचंद्र जी मदन जी सर सुरेश जी सर ये सब आता मिलता पूछता किया चाल रही है। श्याम का रामचंद्र जी सर मदन जी सर साथ में वॉलीबॉल खेलता बड़ मन लाग तो क्रिकेट खेलता जर सगड़ा साथ आता टीचर अगड़ा यहाँ हंसी मजाक रहता। और खानू खानू तो यहाँ देख जो मैं तो सोचो कि बट यार अपना सेठ है वहाँ कौन खाना हूँ, लेकिन खानू एक नंबर हो यहाँ। मैं तुम्हारो तो दाल पर रोटी खाता हूँ, पहले तो लगी हो कि दाला में पानी रही ही, लेकिन बाद में बट यार यहाँ दाल सही बनाता प्रधान जी रही पूरा खानू रही। मैं तो यहाँ मैं तो आई गुंडा की डाइट फाइट की दे स्पेशल डाइट, यहाँ हर संडे को डाइट देना दाल बाटी देना खीर देना और यहाँ पुणो यहाँ 1% यहाँ घर को यहाँ घर वाले जीने की यहाँ लगी हुआ नहीं आप घरों दूर हाँ। मैं तो पहले गियो फर्स्ट टाइम जा रहे यहाँ मैं क्यों कद आवे राखी कद आवे राखी और लास्ट टाइम अब आओ जा रही मन कहो कि आप अब बट छोड़ किया यहाँ मन में यहाँ आंसू यहाँ आई क्या आंसू आएगा जी टाइम आया बात तो बट हॉस्टल में आवड़ियो बनू वो। मैं 11वीं में गियो मैं तो जाता ही यहाँ पहली क्लास ली हुई सारण जी सर की मनोज जी सारण सर आ यहाँ शरीर में गोल मोड़ा मैं क्यों टीचर तो तगड़ा या चश्मा लगा रहा मैं क्यों ये तो डोन के टाइप में छोटा डोन वन सब छोटा डोन कहता। तो वे आया क्लास में आता ही हंसी मजाक हरू करी रही पड्डा बुलाइया रही खड़ा खड़कर नाम पूछा तो मन नाम पूछो मैं वहां नाम बतायो बाद में पड्डा भरू करियो। वे तो यहाँ देख लो पूरी साल आता हंसी मजाक पढ़े यहाँ कदे भी यहाँ कौन लाग दो कि आप अति यहाँ देखो यहाँ केमिस्ट्री पढ़े तो सबने तो मैं तो सोचूँ कि नींद आओ, लेकिन मैं तो पढ़ता नहीं है माकित क्लास मन लागे उन कोई नींद आती क्योंकि अब तो हंसी मजाक पढ़ा था कोई भी रहती चीज ट्रिक का बताता ये इनकी चीजें जगह याद है कोई चांस हुआ नहीं बाकी इनकी ट्रिक का बताई जगह तो यहाँ हाँ यहाँ भूल ही नहीं सका नहीं पढ़ना तो भी। और 12वीं में सीपी जी सर आ जो कि यहाँ देख जो बांको तो कहना का यहाँ तो यहाँ लेवल हो सारण जी सर सीपी जी सर कम कम दो यहाँ 20 20 साल बतो तो एक्सपीरियंस है जरूर अभी हिसाब में पढ़ा है यहाँ देख जो सीपी जी सर जो 12वीं में पढ़े हो नहीं मन तो लागे कौन जेई मेन हो बोर्ड हो एडवांस हो कि मैं वो बारे हैं क्योंकि मैं तो बार पेपर दे रही है सब में आए लगी हो कि पूरा क्वेश्चन पढ़े उड़ा मुँह आया है यहाँ 1% बारे को नहीं। और बाद में फिजिक्स में है फिजिक्स में सोनी जी सर है सोनी जी सर है 12th में सोनी जी सर को लेवल यहाँ देख लियो एडवांस के वास्ते तो हमारे श्याप सोनी जी यहाँ कोई नहीं पढ़ा सके क्योंकि वे फोकस देता डेरिवेशन पर डेरिवेशन है यहाँ डेरिवेशन जो बोर्ड में काम है जाए और एडवांस में जो मैं तो लेर जी एडवांस की तैयारी करे भी ने घणो फायदो है। मैं तो सोनी जी सर की कराए डेरिवेशन यहाँ देख लियो अब नहीं करूँ तो यहाँ दिमाग में छपकी थी श्याप पे पढ़ाया बांक नहीं कम कम मारे श्याप तो नहीं करे तो 22 23 साल बतो तो बने भी एक्सपीरियंस हो। और रवि जी सर आ रवि जी सर को तब कहना कहीं 11वीं फिजिक्स आती है पहले 11000 लाख तो कि फिजिक्स में काई है काई है। अब भाई इन हिसाब की घूर्णन गतियां आई इनके इनके तरीकों पढ़ाई की पूरा यहाँ मन ही लागो कि वास्तव में पढ़ावे तो ताजा है ये मॉड्यूल का नोट्स ये मॉड्यूल रिया सॉल्विंग कराणु या क्वेश्चन व्यूशन सब एकदम या पेपर बनाता इनको टफ पेपर बनाता कि यहाँ लाग तो वास्तव में आप कर रही हैं तैयारी भी लेवल की। और मदन जी को मैथ में तो कहने का ही है मदन जी तो ये पढ़ाता दिया लाग तो क्यों जेई एडवांस को क्वेश्चन रही बानी ये पूछता सर वो किए है तो दिमाग तेज चाल तो कि यहाँ जातार सीधो यहाँ आंसर में रप लेता सीधो आंसर कार्ड बन स्टार्ट जातार हाथियों हाथ यहाँ उत्तर कार्ड देता बोर्ड रहे हो जेई रहे हो ये मेन रहे हो एडवांस रहो सबके वास्ते ये मदन जी परफेक्ट हमारे हिसाब में तो इनको टीचर तो नहीं मिल सके माने। इंग्लिश और हिंदी में हिंदी तो देखो मैं तो 11वीं में तो बिल्कुल पढ़ी उनकी फाउंडेशन नहीं 12वीं में पढ़ी हिंदी तो
मैं तो जो क्लास में पढ़ाई वह हिंदी सिर्फ पढ़ी मैंने, तो पहले तो ये हिंदी में तो रामचंद्र जी सर आके था कि मैं तो क्लास में पढ़ाऊँ वो पढ़ लो बस कापी, और वो कापी हो, और अंग्रेजी में तो भाटी जी सर आ चित्तौड़गढ़ का, तो वहाँ की भाषा ही चाह भी बोलता था लाग, तो ये हंसी मजाक पढ़ा था यहाँ बन की पूछता तो कोई टीचर जान पूछता कि कहीं हाल चाल है छोरा को पढ़े कौन पढ़े, तो ये कहता वो साले सब IIT ने वो क्या पढ़ के करेंगे, बोर्ड बोर्ड की परसेंटेज है तो बोर्ड की परसेंटेज लोग क्या करें कि फाउंडेशन का बड़ा बच्चा बोर्ड की परसेंटेज टूटे, लेकिन मारा हिसाब बात गलत है, क्योंकि अगर अपन JEE और नीट जिनका लेवल की अगर तैयारी कर रही है तो बोर्ड तो भी सामने है ही कहीं, अगर अपन JEE में नीट की तैयारी कर ली तो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है बायो है ये सब्जेक्ट तो प्रॉपरली क्लियर ही जाए तो आप में कोई प्रॉब्लम आओगे नहीं, और बाद में हिंदी अंग्रेजी बच्ची बने तो अपन थोड़ा दिन और यही कोई 10-15 दिन में पढ़ रिकवर कर सका, जी बच्चों बोर्ड को ज्यादा लोड लेवा की तो जरूरत कौन रही, अगर आगे JEE की नीट की तैयारी कर पाए फायदा रहे, फाउंडेशन को तो फायदा ही है।